हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है गरुड़। प्रभु की आज्ञा होते हुए भी अमृत को अस्वीकार करके तुमने अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये मैंने अपने शेष भैया और वासुकी भैया से सीखा है। यदि मन में भक्ति हो तो अमृत की आवश्यकता नहीं होती। वैसे सखा, आज तो आपने हम सबको आशंकित कर दिया था। देवी लक्ष्मी तो बहुत अधिक चिंतित हो गई थी। प्रभु, मां, अब मुझे जाने की अनुमति और आशीर्वाद प्रदान करें। उस समय तो तुम मेरे प्रहार से बच गए थे, पर अब नहीं बचोगे। देवराज, आपके इस महान अस्त्र का निर्माण महर्षि दधीचि की उन अस्थियों से हुआ है जो उन्होंने स्वेच्छा से देह त्याग कर आपको प्रदान की थी। मैं उनके इस अद्भुत त्याग का सम्मान अवश्य करूंगा। मेरा वज्र इसके पंख तक का कोई अहित नहीं कर पाया। जिसका पंख इतना सुंदर हो उसका नाम तो सुपर्ण होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए, स्वर्ण होना चाहिए। मातृभक्त सुपर्ण की जय। मातृभक्त सुपर्ण की जय। विष्णु भक्त सुपर्ण की जय। मातृभक्त सुपर्ण की जय। विष्णु भक्त सुपर्ण की जय। विष्णु भक्त सुपर्ण की जय। नारायण नारायण। स्वर्ग में बिना आज्ञा प्रवेश किया, इसने सभी देवताओं के साथ युद्ध किया,
और अब अधिकार ना होते हुए भी अमृत चुराकर भाग रहा है ये, और सभी सभी इसी का पक्ष ले रहे हैं। क्यों क्यों सभी गरुड़ का पक्ष ले रहे हैं? क्यों? नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। आप चिंता मत कीजिए देवराज, विधि का विधान विचित्र होता है। गरुड़ और इसकी मां को मुक्ति भी मिलेगी और कद्र और उसके नागों को अमृत भी नहीं मिलेगा। ये कैसे संभव है प्रभु? एक बार गरुड़ और देवी विंता को मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देवराज, ये तो आप जानते ही। मैं सब समझ गया प्रभु, आप महान हैं। ये अनोखा मध्य मार्ग सुझाकर आपने सब कुछ ठीक कर दिया प्रभु। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। प्रभु के इस योजना के पीछे एक बड़ा मंतव्य छिपा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विंता आंखें खोलो। उठो विंता। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ, देवी, आप सब यहाँ? विंता, तुम जिस पल की प्रतीक्षा कर रही थी वो पल आ गया है। तुम्हारा पुत्र लौट आया है। और देखो उसके हाथों में क्या है। गरुड़ सुरक्षित है विंता, देखा तुमने, तुम्हारा पुत्र अमृत ले आया है। वही अमृत जो तुम्हारी मुक्ति का साधन है। आज तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों दासत्व से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ सच में अमृत ले आया।
असंभव को संभव बना दिया मेरे पुत्र ने। क्या मैं कल्पना कर रही थी? सागर सी तू अपार है माँ, ये जीवन तेरा उपकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ। करुण माँ, मेरा वरदान मेरे श्राप को विफल करेगा। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका यह पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल लेकर देगा मां। आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, मैं आपको अवश्य मुक्त कराऊंगा। ये मेरा प्रण है। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत पाकर रखेगा, बस उसी पल, उसी पल तुझे और तेरी मां को भी दासना के बदले से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। आप मेरी मां हैं और आप ही मेरा धन है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी मां के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार हूं। तो भी प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे, और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा। मेरे लिए मेरी मां की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। हे प्रभु, कहीं आपकी योजना विफल ना हो जाए। मुझे आपकी योजना पूर्ण करने की शक्ति दीजिए प्रभु, अन्यथा यदि नागों को अमृत मिल गया तो संसार का अंत निश्चित है प्रभु। कालिया भैया ने तो बड़ी मां को भी पीछे छोड़ दिया, अमृत के सामने अपनी मां के सम्मान की भी चिंता नहीं है इन्हें। अमृत इनके मुंह से तो लाल टपक रही है और आंखों से लोभ, ये सब तो मेरी कल्पना से भी अधिक तुच्छ है।
अमृत सबसे पहले मुझे ही देना गरुड़। ये अमृत सबसे पहले मैं ही पीऊंगा। अमृत शीघ्र मुझे ये कलश दे दे ताकि मैं इसका अमृत पी के अमर हो जाऊं। इतने शीघ्र नहीं कालिया भैया, बड़ी माँ मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली हो स्वर्ग के सिंहासन पर राज करे, अजर अमर हो जाए और अमृत चाहिए मुझे। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी माँ को अपनी दासना के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। इतनी लंबी प्रतीक्षा की मैंने इस पल की, पल आ गया, मुझे अमृत मिल ही गया। शर्त के अनुसार मैं अमृत ले आया बड़ी। अब आप सबसे पहले मेरी मां को और मुझे दास्ता से मुक्त कर दीजिए। और फिर अमृत स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, क्या मेरे पुत्र से कुछ अशुभ होने जा रहा है? कृपा करें गरुड़ को सद्बुद्धि दें। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विनता जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रु की दासता स्वीकार करती हूँ। मैं महर्षि कश्यप और माँ विनता का पुत्र गरुड़, मन से, वचन से और कर्म से मेरी विमाता महारानी कद्रु और उनके 1,000 पुत्रों की दासता स्वीकार करता हूँ। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से 1,000 गुना अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, जो मेरी माँ का अपमान करेगा तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। मैं और मेरे पुत्र अमर तो हो जाएंगे, किंतु ये विनता मेरी दासता से और करुण मेरे नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। लालच एक ऐसा अवगुण है जिसकी अति किसी भी प्राणी को विनाश की ओर ले जा सकती है। यदि अमृत मिलने के पश्चात भी कद्रु ने विनता और गरुड़ को दासता से मुक्त नहीं किया तो मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। यदि मुक्त होने के बाद करुण और उसकी मां ने मुझसे प्रतिशोध लेना चाहते हो